सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ और कामना करती हूँ कि नव वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो। मुझे हर्ष है कि मेरी सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वें जयंती वर्ष में दिनांक 2 अक्टूबर 2019 को विधानमंडल का विशेष सत्र आहूत किया गया, जिसमें 36 घंटे अनवरत चर्चा कर राष्ट्रपिता के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लिया गया। इसी राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रदेश का सर्वांगीण विकास ही मेरी सरकार की प्राथमिकता है। सुशासन की परिकल्पना जन कल्याण एवं जन विश्वास के माध्यम से ही पुष्पित एवं प्रज्वलित होती है। इसलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की नीति अपनाते हुए समाज के सभी वर्गों का सामाजिक आर्थिक व शैक्षिक विकास सहित सर्वांगीण विकास कार्यक्रम अनवरत जारी है। इसी क्रम में मेरी सरकार द्वारा हमारे संविधान में उल्लेखित उपरोक्त संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संविधान के महान शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में संविधान दिवस के अवसर पर दिनांक 26 नवंबर 2019 को विधानमंडल का विशेष सत्र आहूत किया गया था। माननीय सदस्यगण, सरकार की नीतियां एवं योजना का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने के लिए मेरी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। सरकार के प्रयासों से बहुआयामी विकास कार्य सर्वत्र दिखाई दे रहे हैं तथा उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना में 27.58 लाख आवास स्वीकृत कर से अधिक आवास बनाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 86,700 करोड़ रुपए के अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान पर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1,47,00,000 से अधिक परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्रदान कर देश में प्रथम स्थान मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2,61,00,000 परिवारों को शौचालय देकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त कर गौरव प्राप्त किया। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना एवं अन्य सेवाओं में 1,24,00,000 से अधिक विद्युत कनेक्शन देकर देश में प्रथम स्थान मिला। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं आम आदमी बीमा योजना में प्रथम स्थान है। उपभोक्ता चीनी गन्ना एवं आम उत्पादन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अटल पेंशन योजना में देश में प्रथम स्थान लिया। कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मेरी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त अन्याय मुक्त वातावरण तथा कानून स्थापित किया गया। मेरी सरकार के कार्यकाल में सभी संप्रदायों के मध्य अपनी सौहार्दपूर्णता कायम रहा है। पुलिस व प्रशासन अधिकारियों सक्रियता साहस एवं संवेदनशीलता से जनपद फरुखाबाद में बंधक बनाए गए 23 मासूम बच्चों को सुरक्षित निकाल कर भय मुक्त समाज की स्थापना के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया। 2017 के सापेक्ष गत वर्ष में दुष्कर्म की घटनाओं में 35% की कमी आई है। इसी प्रकार डकैती में 53.7, लूट में 14.5, बलवा में 38.1, अपहरण में 20.43 और हत्या में 14.05% की कमी दर्ज की गई है। मेरी सरकार ने अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय व कठोर अभियोजन सुनिश्चित करते हुए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। पॉक्सो एक्ट में वर्ष 2018 दो आरोपियों को मृत्युदंड, 67 को आजीवन कारावास, 420 को अन्य सजा हुई। वर्ष 2019 में 3 को मृत्युदंड, 152 का आजीवन कारावास तथा 585 को अन्य सजा प्राप्त हुई है।
लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 से संबंधित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु 218 पॉक्सो न्यायालयों का गठन किया गया। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों के 194 नवीन न्यायालयों का कक्षा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। कोई सकारात्मक परिवर्तन दृढ़ इच्छा शक्ति के बिना संभव नहीं। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार द्वारा इसी इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से महानगरीय क्षेत्र में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, जिसके प्रथम चरण में इसे लखनऊ व गौतम बुद्ध नगर में लागू किया गया है। प्रदेश की जनता को पुलिस की विभिन्न सेवाएं सरलता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूपी कॉप मोबाइल ऐप बनाया गया, जिसमें 28 सेवाओं यथा ई प्राथमिकी पंजीकरण, वरिष्ठ नागरिक शिकायत, लापता व्यक्ति, किराएदार सत्यापन आदि का समावेश किया गया है। इस ऐप को 5,00,000 से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका। वर्तमान में साइबर अपराधों में ही रही वृद्धि से निपटने के लिए जनपद गौरव बुद्ध नगर व लखनऊ में साइबर थाने क्रियाशील है व अन्य परिक्षेत्रीय कार्यालय में भी साइबर थाने स्थापित किए जाने का निर्णय किया गया है। कृषि उत्तर प्रदेश में अधिकांश आजादी आजीविका का साधन है। हमने 5 वर्षों के भीतर कृषि से होने वाली आय को दुगुनी करने का निश्चय किया। इसी को लक्ष्य में रखकर फसलों की नई प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लागू की गई। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,735 रुपये से बढ़ाकर 1,840 प्रति क्विंटल किया गया तथा रबी वर्ष 2020-21 हेतु भारत सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 1,925 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। धान के कॉमन एवं ए ग्रेड के एमएमसी में वृद्धि का क्रमशः 1,815 प्रति क्विंटल एवं 1,835 प्रति क्विंटल किया गया। विगत 3 वर्षों में 126,00,000 मैट्रिक टन गेहूं और 141,00,000 मैट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीद सीधे किसानों के की गई। प्रदेश में पहली बार दलहन, तिलहन एवं मक्का का समर्थन मूल्य तय करते हुए सीधी खरीद किसानों से हुई है। वर्ष 2018-19 581.8 लाख मैट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604.15 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। कृषि नीति 2013 में लक्षित 5.1% कृषि विकास दर के दृष्टिगत वर्ष 2020-21 हेतु 641.74 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश किसानों को देय अनुदान को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला देश में पहला राज्य बना है। डीबीटी के माध्यम से 80,00,000 से अधिक किसानों को 1,441 करोड़ की धनराशि का भुगतान सीधे उनके खाते में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश के 2,43,00,000 किसान परिवारों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया जारी है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 1,82,00,000 किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 3,750 कोटी धनराशि व कुल 11,690 करोड़ की धनराशि किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की गई है। किसानों को 3.7 करोड़ से अधिक मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड का 1,11,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन करके तय सीमा में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए मेरी सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। किसान पाठशाला के माध्यम से 50,00,000 से अधिक किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीक में प्रशिक्षित किया गया। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कृषि कुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1,00,000 किसानों ने सहभागिता की है। गंगा किनारे 1,038 ग्राम पंचायत के लिए दो आधारित प्राथमिक
426 कार्यशालाएं आयोजित की गई है। चीनी उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित प्रमुख उत्पाद तथा प्रदेश में 119 चीनी मिल संचालित है। गत पेराई क्षेत्र 2018-19 में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27.94 लाख हेक्टर था और 118.22 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। पेराई सत्र 2019-20 में कुल गन्ना क्षेत्रफल 26.79 लाख हेक्टर है। मेरी सरकार द्वारा अब तक 86,700 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान किया चुका है, जिससे 46.20 लाख गन्ना किसान लाभान्वित हुए। इसमें पिछली सरकार की बकाया गन्ना मूल्य भुगतान की राशि भी सम्मिलित है, 10,624 करोड़ रुपए सम्मिलित है। यह सब अब तक का रिकॉर्ड भुगतान है। पेराई सत्र 2019-20 में कुल देय गन्ना मूल्य 14,790 करोड़ रुपए का सापेक्ष में 8,454 करोड़ रुपया भुगतान किया जा चुका है। पेराई सत्र 2018-19 के कुल देय गन्ना मूल्य का 97.46% भुगतान किया जा चुका है। प्रदेश में पहली बार गन्ना किसानों के भुगतान के लिए चीनी मिलों को सरल ब्याज पर ऋण दिए जाने की योजना बनाई गई। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की 2 बंद चीनी मिलों निराइश व मुनेरबा के स्थान पर नई चीनी मिलें स्थापित की। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मोहिद्दीनपुर चीनी मिल मेरठ की पेराई क्षमता 2,500 TDC के बढ़ाकर 3,500 TDC कराई गई। सहकारी क्षेत्र की सामला चीनी मिल बागपत का विस्तारीकरण किया गया। गन्ना किसानों को सीधे लाभान्वित करने के आशय से गुड एवं लाभ बनाने के हेतु कोल्हू व क्रशर की स्थापना को लाइसेंस से मुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त पूर्व स्थापित खांडसारी इकाइयों के पुनः संचालन हेतु निःशुल्क लाइसेंस नवीनीकरण के व्यवस्था की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से गंगा के प्रति जन आस्था का सम्मान का अभिवर्धन, गंगा की अविरलता एवं निर्मलता सुनिश्चित करने, प्रदेश के विकास में गंगा केंद्रित रचनात्मक सोच, गंगा आधारित सतत आर्थिक विकास, गंगा संरक्षण हेतु अध्यात्म संस्कृति एवं जन सहभागिता के संगम हेतु जनपद बिजनौर से कानपुर, कम्बलिया से कानपुर तक 1,358 किलोमीटर गंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह गंगा यात्रा 27 जनपदों, 21 नगर निकायों, 1,038 ग्राम पंचायतों में दिनांक 21 जनवरी 2020 तक 5 दिनों में संपन्न हुई। इस अवधि में गंगा यात्रा से जुड़े समस्त 26 विभागों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित गतिविधियां, कार्यक्रम एवं समारोह आयोजित किए गए तथा सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। जल के बिना जीवन की कल्पना असंभव। बढ़ते जल संकट को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी जल शक्ति विभाग का गठन किया गया। वर्तमान में 24,669 किलोमीटर लंबी नहर प्रणालियां, 33,848 राजकीय नलकूपों, 29 पंप नहरों, 252 लघु डाल नहरों एवं 69 जलाशयों से लगभग 98.48 लाख हेक्टर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्षों से अधूरी पड़ी बाण सागर, पहुज बांध, पथराई बांध, पहाड़ी बांध, बहुचुरा बांध, कुटा बांध, गौबा बांध, जमरार बांध आदि परियोजनाओं को पूरा किया गया। इन परियोजनाओं पर लगभग 4,333 रुपये व्यय किए गए। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 2,86,666 हेक्टर सिंचन क्षेत्र में वृद्धि हुई तथा 2
2,35,000 किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश की 14 अन्य सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने का कार्य किया जा रहा है। इनमें अर्जुन सहायक, भवानी बांध, रसीन बांध, लखेरी बांध, रतौली बियर, जाखलौन पंप नहर की क्षमता की पुनः स्थापना, जाखलौन पंप नहर 250 मेगावाट सोलर पावर प्लांट, सरयू नहर, मध्य गंगा उत्तर प्रदेश वाटर रिकंस्ट्रक्शन, बंडई बांध, मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, फूल पहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई योजना व सरदार बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना पर 20,686 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं, जिससे अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा तथा 18,51,000 किसान लाभान्वित होते हैं। ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई योजना 1.64 लाख किसानों को लाभान्वित किया गया, लगभग 3 लाख निःशुल्क बोरिंग करते हुए 15 लाख हेक्टर सिंचाई क्षमता में वृद्धि की गई। मेरी सरकार द्वारा हाल ही में जल जीवन मिशन आरम्भ किया गया, इसके अंतर्गत वर्ष 2024 तक पाइप बैलन योजना द्वारा हर घर जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2019-20 में 283 पाइप पेयजल योजनाओं को पूरा किया जाए। नील नर्मल योजना के अंतर्गत 225 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका और 364 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत 158 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। मुख्यमंत्री आरओ पेयजल योजना के तहत जेई व एईएम प्रभावित जनपदों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों में 28,041 परिपरिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। बुंदेलखंड जल संकट से सर्वाधिक ग्रसित क्षेत्र रहा। बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जनपदों और विंध्य क्षेत्र के 2 जनपदों में कुल 6,533 अनाच्छादित गांवों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने के लिए 545 पाइप पेयजल योजनाएं तैयार की गई है। इसमें मार्च 2020 तक कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। बुंदेलखंड में 8,384 खेत तालाबों का निर्माण किया गया तथा इस वर्ष 6,558 खेत तालाबों का निर्माण प्रस्तावित है। भूगर्भ जल संसाधन के समय प्रबंधन एवं प्रभावी संरक्षण हेतु मेरी सरकार द्वारा भूजल प्रबंधन, वर्षा जल संचय एवं भूजल रिचार्ज के माध्यम से प्रदेश के संकटग्रस्त 271 विकास खंडों में 22 शहरों में राज्य भूजल संरक्षण मिशन प्रारंभ किया गया है। दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा। प्रदेश में 10 ग्रीन फील्ड नवीन डेयरी प्लांट्स की स्थापना की गई, 4 डेयरी प्लांट्स का उच्चीकरण किया गया। प्रदेश में गोवन संरक्षण हेतु सभी जनपदों में 2-2 बृहद गोवंश संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए। प्रदेश में कुल 4,921 गौ आश्रय स्थलों पर 4.49 लाख निराश्रित गौवंश को संरक्षित किया जा रहा है। निराश्रित गौ सौभागिता के अंतर्गत अब तक 23,542 गौ पालक परिवार को 46,786 गौवंश किए गए। प्रदेश के 39 पंजीकृत गौशालाओं में गौवंश के भरण पोषण के लिए मंडी परिषद द्वारा 22.62 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। ग्राम्य विकास के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का स्वप्न था। गांवों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रॉडबैंड मिशन योजना उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में क्रियाशील। प्रत्येक गरीब के सिर पर छत के सपने को साकार करने की दिशा में प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना
13.75 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया तथा 63,933 आवासों का निर्माण प्रगति पर है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुल 50,740 व्यक्तियों को निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा रहा है। इनमें 27,764 मुसहर, 4,666 वन टांगिया तथा 81 थारू जनजाति के व्यक्ति शामिल है। पहली वन टांगिया, मुसहर, कोल एवं थारू जनजाति के 38 ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित किया गया, जिससे वन क्षेत्रों में बसे इन गांवों के गरीबों को आवास, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क, बिजली एवं राशन कार्ड आदि मूलभूत सुविधाओं प्राप्त हुई। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली और प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं तेजी से बढ़ी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016 मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे। मेरी सरकार द्वारा निरंतर नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। 7 मेडिकल कॉलेजों में MBBS के प्रथम वर्ष की पढ़ाई वर्ष 2019-20 में शुरू हो गई और हरदोई, एटा, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर और मिर्जापुर में 8 मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त बुलंदशहर, बिजनौर, औरैया, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कानपुर देहात, ललितपुर, गोंडा, सुल्तानपुर, कुशीनगर, सोनभद्र, कौशाम्बी में 13 मेडिकल कॉलेज और स्वीकृत जा चुके हैं। मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड पुरस्कृत किया गया। 4 दशक से पूर्वांचल के मासूमों के लिए काल बने इंसेफेलाइटिस के मामलों में 56% की कमी हुई, जबकि मृत्यु के आंकड़ों में 81% की कमी आई है। ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक 104 इंसेफेलाइटिस केंद्र स्थापित किए गए तथा जापानी इंसेफेलाइटिस व एक्यूट इंसेफेलाइटिस के विरुद्ध अभियान में 3.5 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाली जनता को अधिक से अधिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना मेरी सरकार की प्राथमिकता। प्रदेश में टेलीमेडिसिन की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत दूरस्थ ग्रामों के रोगी मोबाइल फोन से माध्यम से कंट्रोल रूम से वरिष्ठ व विशेषज्ञ चिकित्सकों से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी मलिन बस्तियों से निवासरत करोड़ों व्यक्तियों के दरवाजे स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक रविवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्रत्येक ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला आयोजित कर रही है। इन मेलों से विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आधिकारिक लाभ सामान्य जनमानस को उपलब्ध कराने के लिए टीबी, कुष्ठ रोग, संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों तथा गर्भवती महिलाओं की जांच एवं उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। दिनांक 2 फरवरी 2020 संचालित मात्र 2 चरणों में मेलों में 2.94 लाख पुरुषों, 3.48 लाख महिलाओं एवं 1.11 लाख से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया है। इसके साथ ही लगभग 21,000 रोगियों को उपचार हेतु उच्च चिकित्सालयों में संदर्भित किया गया। इन मेलों में 58,611 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड भी वितरित किया गया है।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1,26,00,000 लाभार्थियों के परिवारों को तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 10,56,000 परिवारों को सालाना 5,00,000 रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया गया। अब तक 86,00,000 से अधिक लोगों को गोल्डन कार्ड वितरित हुए हैं एवं 3,00,000 से अधिक व्यक्तियों का योजना के अंतर्गत उपचार हुआ। शिक्षा देश के भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। मेरी सरकार ने स्कूल चलो अभियान चलाकर शिक्षा की अलख को जगाया। शैक्षिक सत्र 2026-20 से 1,80,00,000 छात्रों का नामांकन कराया गया। वर्तमान युग की आवश्यकता को देखते हुए 15,000 प्राथमिक विद्यालयों को अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में परिवर्तित किया गया। पाठ्य पुस्तकों का ई वर्जन ई पोथी के रूप में विकसित किया गया। प्रदेश के स्कूलों में NCERT पाठ्यक्रम लागू किया गया जिनमें मदरसे भी शामिल हैं। मेरी सरकार द्वारा राज्य में निर्माण श्रमिकों के 1,000 बालक बालिका एवं अनाथ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने, उनके जीवन में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित करने एवं समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए राष्ट्र के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। विद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र छात्राओं का अनुपात 50-50 होगा। इन विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु उनकी समुचित कैरियर काउंसलिंग तथा उनकी प्रवीणता व रुचि के आधार पर उनका कौशल विकास भी किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर प्रदेश भर में नकलविहीन परीक्षाएं कराने के मेरी सरकार ने रिकॉर्ड प्राप्त किया। शिक्षा के उच्च आदर्श स्थापित करने के उद्देश्य 179 पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेजों का संचालन किया जा रहा है। मेरी सरकार द्वारा 7 नवीन राजकीय इंटर कॉलेज व 1 राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण किया गया तथा 193 नए इंटर कॉलेज शुरू किए गए और 55 नए इंटर कॉलेजों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मेरी सरकार द्वारा मेघा को सम्मानित करने के लिए मेघावी छात्रों के निवास स्थलों तक 113 सड़कें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ योजना के अंतर्गत बनाई गई और मेघावी छात्रों को 1,00,000 रुपये की धनराशि टैबलेट मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उच्च शिक्षा के प्रसार हेतु जनपद सहारनपुर अलीगढ़ एवं आजमगढ़ के 3 नए राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इनके अतिरिक्त प्रदेश में 49 नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है जिनमें 33 राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर को अंतर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेंटर एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिंदुइज्म बुद्धिज्म एवं जैनिज्म के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं विनियमन हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 का प्रख्यापन किया गया। प्राविधिक शिक्षा में युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। मेरी सरकार द्वारा 24 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं उनके लिए 28 छात्रावास निर्मित कराए गए। राज्य में पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थाओं की संख्या बढ़कर 1,325 हो गई और इन शिक्षण संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़कर 2,30,275 हो गई। प्रदेश में 22 नए
राजकीय पॉलिटेक्निक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा दीर्घ एवं अल्पकालीन रोजगार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में कौशल विकास मिशन 554 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 1.95 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवा योजित किया गया। अवस्थापना सुविधाएं विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। विकास की धारा सड़कों के माध्यम से प्रवाहित होती है। प्रदेश के पूर्वांचल विकास कार्यों में तेजी लाते हुए 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य 20 वर्ष पूर्ण किया जाएगा। 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, 297 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। मेरठ में प्रयागराज तक मेरी सरकार द्वारा राज्य में विकास की उड़ान को नए पंख प्रदान करने की दिशा में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 1,314 हेक्टर भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है। उक्त एयरपोर्ट का विकास इस प्रयोजन हेतु गठित SPV यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पिछले 3 वर्षों प्रयागराज, कानपुर व हिंडन एयरपोर्ट के सिविल एनक्लेव का निर्माण कर अनेकों शहरों को हवाई सुविधा से जोड़ा जा चुका है। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सोनभद्र, चित्रकूट व झांसी एयरपोर्ट के विकास का कार्य भी गतिमान है। सरहानपुर, अयोध्या एवं मेरठ एयरपोर्ट विकास हेतु भूमि अधिग्रहित की जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में स्थित विमानपत्तनम देश के विभिन्न शहरों हेतु 48 उड़ानें व विश्व के विभिन्न शहरों हेतु 12 उड़ानें संचालित हैं। औद्योगिक विकास किसी राज्य की प्रगति का मापदंड है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में एक नया सवेरा आया है। उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए निवेश फ्रेंडली 21 नई नीतियां बनाई। निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्टर समिट के आयोजन के पश्चात प्रथम एवं द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इन परियोजनाओं से लगभग 25 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बुंदेलखंड में डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। इसमें 2.5 लाख युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। प्रदेश में उद्यमियों के अनुकूल वातावरण बनाते हुए निवेश मित्र पोर्टल माध्यम से 46,220 आवेदनों को निस्तारित किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत उत्तर प्रदेश 52.87% स्कोर के साथ अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। 11वें डिफेंस एक्सपो का आयोजन भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य सफलतापूर्वक किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोजन का उद्घाटन किया, जिसमें 3,000 से अधिक रक्षा क्षेत्र के विदेशी प्रतिनिधियों व देश के विभिन्न क्षेत्रों के 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों ने कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किया। इस सफल आयोजन के परिणाम स्वरूप रक्षा क्षेत्र में कुल 190 MOU व अनुबंध
50,000 करोड़ रुपए का निवेश है। पहली बार लखनऊ में वायुसेना व थल सेना के एक संयुक्त डिफेंस डिस्प्ले का प्रदर्शन किया गया। युवाओं को भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम एवं गौरवशाली इतिहास को देखते एवं समझने का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रदेश व देश के विभिन्न भागों से लगभग 12 लाख लोगों ने डिफेंस एक्सपो का भ्रमण किया। एशिया के सबसे सफल डिफेंस एक्सपो के आयोजन से प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना को तीव्र गति मिलेगी व नई डिफेंस इकाइयों की स्थापना से प्रदेश के औद्योगिक विकास के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग कम पूंजी और कम स्थान से व्यापक रोजगार सृजित करते महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे उद्योग पर्यावरण के अधिक अनुकूल होने के साथ साथ समावेशी विकास एवं रोजगार सृजन की असीम क्षमता रखते हैं। मेरी सरकार द्वारा ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विद्युत शुल्क में छूट, स्टैम्प ड्यूटी में छूट, ब्याज उत्पादन GST की प्रतिपूर्ति सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की स्थापना से संबंधित विभिन्न स्वीकृतियों अनापत्तियों तथा सहमतियों हेतु प्रदेश सरकार द्वारा निवेश मित्र पोर्टल की व्यवस्था की गई। प्रदेश की एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद को चयनित कर विकसित किया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारंपरिक हस्तशिल्पियों जैसे बढ़े दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई आदि की कलाओं के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा योजना चलाई गई है। वित्तीय वर्ष 2019-20 20,000 हस्तशिल्पियों को लाभान्वित कराने हेतु 30 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण हेतु 25 लाख तक तथा सेवा क्षेत्र से रुपया 10 लाख तक की परियोजना स्थापित कराकर स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 3,487 इकाइयों की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष 721 लाभार्थियों को 22,98,00,000 मार्जिन मनी वितरित की जा चुकी है। हथकरघा उद्योग रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला प्रदूषण रहित केंद्रित हथकरघा उत्पादों के विपणन हेतु उचित अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के बाहर 4 बड़े महानगरों में प्रतिवर्ष यूपी स्टेट स्पेशल हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। हथकरघा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश विदेश में लगने वाली प्रदर्शनी में प्रदेश के बुनकरों की सहभागिता बढ़ाई जा रही है। विद्युत उत्साह के बिना आधुनिक निर्माण विकास की कल्पना संभव नहीं। माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश भर में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप जनपद मुख्यालय में 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 20 घंटे व ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित किया गया है। मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अब तक 33,11 के कुल 586 नए विद्युत उपकेंद्र शुरू किए जा चुके हैं तथा 1,058 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में वृद्धि के लिए
नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है। इसे प्रोत्साहित करने के लिए 100% स्टैंप शुल्क में छूट दी गई है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता अब तक बढ़कर 949 मेगावाट हो गई। सार्वजनिक उपयोग के क्षेत्र में ग्रामीण बाजारों की प्रकाश व्यवस्था हेतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना तथा राजस्व गांवों में मार्ग प्रकाश अव्यवस्था हेतु मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना संचालित की जा रही है। नगर विकास की परिकल्पना स्वच्छता से ही साकार होती है। माननीय सदस्य गण, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के 14 निकायों को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सम्मानित किया गया। प्रदेश के सभी 75 जनपद खुले में शौच मुक्त घोषित हो चुके। प्रदेश में 8,33,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। नगरों में 4,000 सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। अटल नवीनीकरण एवं शहरी रूपांतरण मिशन अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश में 60 शहर आच्छाद किए गए। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत 45 सीवरेज परियोजनाएं प्रारंभ की गई, जिनमें से 12 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जिसके अंतर्गत स्वीकृत 15.63 लाख आवास के सापेक्ष अब तक 9.13 लाख आवास निर्माणाधीन है। 3.81 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित 10 प्रमुख शहरों लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद व अलीगढ़ में 20,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का क्रियान्वयन चालू हो गया। किसी राज्य की व्यवस्था का मूल्यांकन समाज के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं से होगा। मेरी सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण हेतु कृत संकल्प तथा इस उद्देश्य विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों की 1 लाख से अधिक गरीब कन्याओं की शादी कराई गई। इस योजना हेतु पूर्व निर्धारित 35,000 रुपये की सहायता धनराशि को बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दिया गया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की जारी क्षेत्र की शादी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 42 राजकीय इंटर कॉलेजों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया। मेरी सरकार वृद्ध जनों के प्रति भी संवेदनशील है। वृद्धाश्रम पेंशन योजना की धनराशि 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 44 लाख से अधिक वृद्ध जनों को पेंशन दी जा रही है। अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में मेरी सरकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को साकार करने के लिए कृत संकल्प है। मान्यता प्राप्त मदरसों एवं मकतबों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा भारत सरकार की वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही है। माननीय सदस्यगण, हम स्वाधीनता संग्राम में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऋणी। मेरी सरकार द्वारा उन्हें व उनके आश्रितों को पेंशन अनुदान स्वीकृत किए जाने की योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 20,176 रुपये कर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 1 सहचर सहित राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा
तथा स्वतंत्र संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को राजकीय चिकित्सालय में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन की सुविधा अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त उनके लिए लखनऊ तथा मथुरा में सेवा सदन संचालित। महिला कल्याण देश की प्रगति का पैमाना है। मेरी सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण की दिशा में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान चलाया गया। प्रदेश की सभा जनपद हेतु 181 महिला हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर व रेवेन्यू रेस्क्यू वैन की सुविधा उपलब्ध कराई गई। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गई। इसके अंतर्गत अब तक 2,60,000 से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत प्रदेश में 18,57,038 लाभान्वित हुए। निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत वर्तमान में 24,75,000 से अधिक लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। स्वस्थ जीवन की आधारशिला बाल्यावस्था से ही प्रारंभ होती है। उत्तर प्रदेश में इस दिशा में समेकित बाल विकास सेवा योजना, अनुपूरक पुष्टाहार योजना व हॉट कुक्ड फूड योजना संचालित की जा रही है। बाल विकास हेतु आंगनबाड़ी कार्यक्रम के अतिरिक्त किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के माध्यम से किशोरी बालिकाओं के व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। युवा देश के भविष्य निर्माता, युवा आकांक्षाओं से परिपूर्ण भारत एक युवा राष्ट्र भी। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में युवाओं के शारीरिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विकास एवं उनमें देश प्रेम की भावना उत्पन्न करने के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं, युवा एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन व प्रशिक्षण, राज्य स्तरीय युवा उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा विवेकानंद यूथ अवार्ड योजना जैसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे। युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं महामनीष स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय युवा उत्सव के 23वें संस्करण का भव्य आयोजन 12 से 16 जनवरी 2020 के मध्य लखनऊ में किया गया। इसमें 24 प्रदेश एवं केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 7,000 युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 2,000 युवा प्रतिभागी एवं यूथ आइकॉन भी सम्मिलित हुए। इस उत्सव में संपूर्ण भारत से आए युवा प्रतिभागियों की उपलब्धि से एक लघु भारत की छवि प्रदर्शित हुई तथा प्रदेश के युवा भी अन्य प्रदेशों की सांस्कृतिक विरासत से परिचित हो सके। यह उत्सव प्रदेश के युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचरण करने तथा देश की एकता व अखंडता की भावना को पुष्ट करने की दृष्टि से अत्यंत सफल रहा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु मेरी सरकार संवेदनशील है। दिव्यांगजन के सम्मान और सशक्तिकरण हेतु उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। मेरी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2019 दिव्यांग विवाह कराने के उद्देश्य से आरंभ की गई। दिव्यांगजन पेंशन की धनराशि 300 रुपये में बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह कर दी गई, जिसके अंतर्गत 10.47 लाख दिव्यांगों को लाभान्वित किया गया। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय परिसर में एक विशिष्ट स्टेडियम प्रस्तावित है। लखनऊ में मुखबधिर बालक तथा जनपद गोरखपुर में बालिका विद्यार्थियों के लिए इंटर कॉलेज व मानसिक दिव्यांगजन के शिक्षण हेतु जनपद प्रयागराज में ममता विद्यालय स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र का 7वां सम्मेलन बिना
15 से 19 जनवरी 2020 के मध्य राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में प्रथम बार किया गया। सम्मेलन में भारत के विभिन्न राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों सहित विभिन्न देशों के विधायी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण भी सम्मिलित हुए। इस 4 दिवसीय सम्मेलन में जनप्रतिनिधियों की भूमिका एवं उनमें विधायी क्षमता विकसित करने पर गंभीर चर्चा। सम्मेलन में संसदीय लोकतंत्र के वेस्ट मिनिस्टर मॉडल में आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय आकांक्षाओं की परंपरा के विकास पर भी चर्चा की। इस आयोजन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण एवं संवर्धन में योगदान हेतु विश्व स्तर पर सराहना हुई। पर्यटन से हमारी सांस्कृतिक प्राकृतिक तथा भौगोलिक विरासत को समृद्धि प्राप्त हुई। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा तथा कुंभ के लिए सर्व सिद्धि प्रद कुंभ की टैग लाइन जारी की गई। अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी से देव दीपावली तथा बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन कराया जा रहा। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्पिरिचुअल सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, महाभारत सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी सर्किट एवं जैन सर्किट का चिन्हांकन कर समेकित पर्यटन विकास कार्य किया जा रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक सुविधाएं प्रस्तावित है। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म स्थल बटेश्वर का विकास कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पॉर्ट्स, पीलीभीत टाइगर रिजर्व तथा चंद्रौली में देवदरी राजदरी वाटरफॉल के साथ साथ 46 पर्यटन योजनाओं का विकास कराया जा रहा है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की आधारभूत नीतियों और महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की। शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2021 का आय व्यय सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की आम जनता के हित में सभी माननीय सदस्यगण मेरी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करेंगे तथा इस सदन की गरिमा और महानता को बनाए रखेंगे। मेरी सरकार जन कल्याण के लिए समर्पित और सुविचारित नीतियों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां से समृद्धि और विकास के अनेक पथ प्रशस्त होते हैं। मैं आशा करती हूं कि प्रदेश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले